हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में, जो कि है मधुगावनी। जिन लोगों को खुशबू बहुत पसंद है वो लोग इसको ज़रूर अपने घर में ऐड करें। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, कुछ ज़्यादा केयर आपसे नहीं मांगता है। बस एक बार आप इसे ला के लगा दो अपने घर में और ये अच्छे से चलता रहता है। जब इसे लगाना है तो वही 70% मिट्टी डालनी है, 30% बर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, थोड़ा सा नीम कली, और इसकी रिपोर्टिंग करनी है। जब आप नर्सरी जाएं तो इसके पौधे को कुछ ज़्यादा छोटा ना ख़रीदें, थोड़ा सा बड़ा लें, जिससे कि आसानी से चल पाए आपके घर में। और ये बहुत ही सुंदर पौधा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें बंच में फूल आते हैं छोटे छोटे, और ये इवनिंग में ही खिलते हैं, और इनमें से खुशबू इतनी अच्छी आती है आपके पूरे गार्डन में महक जाएगा अगर आप ये एक पौधा लगा देते हैं। तो बहुत ही सुंदर पौधा है, और बिल्कुल ही मैंने इसे लगाया है तो कोई भी ज़्यादा खास केयर नहीं की है इसकी, और ये हमारे घर में बहुत अच्छे से चल रहा है। करीब 5 साल हो गए होंगे इसको लगाए हुए हमें। करीब 5 साल हो गए हैं इसे लगाए हुए हमें, तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बात करते हैं इसके पानी की। पानी इसे खूब सारा पसंद है, आप खूब पानी डालें सुबह शाम दोनों टाइम, अभी गर्मियां चल रही हैं तो। और ये जैस्मिन की ही वैरायटी है जो कि आप देख पा रहे होंगे, और खुशबू इसमें बिल्कुल मोगरा जैसी ही आती है, जैसे कि मोगरे में आती है। तो बात करते हैं इसके खाद की। तो खाद इसमें कुछ नहीं डालनी है आपको, DAP आधा चम्मच पानी में घोल के, गर्मियों में भी दे सकते हैं इसको, और गोबर की खाद जो कि पानी में डिजॉल्व करके डाल सकते हैं, या सूखा भी इसमें डाल सकते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो मैं गर्मियों में किसी में भी नहीं देती हूँ DAP, इसे ही गोबर की खाद से ही काम चलाती हूँ सारे पौधों में। तो इसमें छोटे छोटे से रेड कलर के बीज आते हैं, तो ये उनसे भी उग जाता है, बाकी ये कटिंग से भी उग जाता है। तो इतना ज़्यादा अगर आपको काफ़ी बड़ा हो जाता है ये, अगर इसे इसी तरीके से काफ़ी घना बनाना है आपको तो इसकी टाइम टू टाइम कटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जगह जगह से इसे कट किया हुआ है। तो एक जगह से जैसे कट कर देंगे वहाँ से और खूब सारी ब्रांच निकल आएंगी। तो ये अभी हर हफ्ते में एक बार फ्लावरिंग करता है, फिर थोड़ा एक हफ्ते रेस्ट लेता है, फिर दोबारा से फ्लावरिंग करने लग जाता है। तो इसका फ्लावरिंग गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं रुकती है, बहुत अच्छे से ये चलता रहता है। तो खास केयर कुछ भी नहीं है इसकी। अगर इसकी बीमारियों की बात करें तो बीमारी कोई भी नहीं लगती है इसमें, कोई भी अटैक नहीं होता है किसी तरीके का इस पर। बाकी मैं नीम ऑयल पे सब पे स्प्रे करती हूँ, सो इस पर भी कर देती हूँ, तो हमारे गार्डन में इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई बीमारी नहीं लगी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एकदम बढ़िया से इसमें फूल खिल रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो आप अपने गार्डन में इसे ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कर, से लेकर 200 तक मिल जाएगा नर्सरी में आपको, जैसा कि आप साइज जो भी साइज लेना चाहेंगे उस हिसाब से। तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें इसको। और ये कुछ ऐसे, अगर आप इसको किसी के सहारे चढ़ाना चाहें तो एक झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है ये, पर मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है सीधा करके ताकि ये एक ट्री शेप ले पाए, लेकिन शायद ये नहीं है मुमकिन। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा आगे आने वाले समय में। तो बात इसकी रिपोर्टिंग की करते हैं। रिपोर्टिंग इसकी हर साल आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4-5 साल के बाद आप किसी बड़े गमले में लगाएं जबकि ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाए। तो आने वाले जो रेनी सीज़न होगा उसमें मैं कोशिश करूँगी इसे रिपोर्ट करने की और बड़े प्लांटर में। वैसे इसे मैंने 12 इंच के गमले में लगा रखा है, और इसका स्टेम आप देख पा रहे होंगे काफ़ी मोटा हो रखा है। तो मैं इसे यहाँ से दिखाना चाहूँगी, काफ़ी बूढ़ी हो गया है इसका स्टेम, और ये काफ़ी ठीक से हो गए, 3-4 ब्रांच निकल गई हैं इसकी, क्योंकि प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, काट छाट इतनी ज़रूरी है तभी आपका पौधा घना बनेगा और अच्छे से वो चलता रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस कभी कभी नीम खली भी डाल देनी है आपको, जिससे कि इसकी मिट्टी में कोई रोग ना लगे पानी में घोल के। वैसे कोई भी इसमें दिक्कत आती नहीं है, तो आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। अभी ये नर्सरी में मिल रहा है, इसका कुछ एक दो वैरायटी और भी आ रही है जो छोटी बड़ी, तो आप ला के लगा सकते हो। बस खुशबू वाला बहुत ज़्यादा अच्छा पौधा है ये,
तो खुशबू अगर आपको अपने गार्डन में ऐड करनी है तो ज़रूर लगाएं इसे। तो ये थी इस पर छोटी सी जानकारी। तो मिले हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ढेर सारे पौधे लगाते रहिए। इसके फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी इसमें देखो काफ़ी बडिंग हो रही है, काफ़ी सारी खिलियाँ निकल रही हैं। तो ये पूरा जब खिलेगा तो पूरा ही भर जाता है ये।